बाड़मेर में एक निजी हॉस्टल में वार्डन द्वारा एक 17 साल के नाबालिग के साथ कुकर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया था। वहीं पुलिस ने बच्चे के परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। घटना बाड़मेर शहर के रिको थाना क्षेत्र में संचालित हो रही एक हॉस्टल की है। पुलिस ने नाबालिग छात्र का मेडिकल करवाया। पुलिस द्वारा दर्ज मामले में आरोपी वार्डन को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। बाड़मेर में एक निजी हॉस्टल में वार्डन द्वारा एक 17 साल के नाबालिग के साथ कुकर्म करने का प्रयास का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने बच्चे के परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। घटना बाड़मेर शहर के रिको थाना क्षेत्र में संचालित एक हॉस्टल की है। पुलिस ने नाबालिग छात्र का मेडिकल करवाया। पुलिस ने दर्ज मामले में आरोपी वार्डन को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार हॉस्टल में रह रहे एक नाबालिग के परिजनों ने गुरुवार को थाने में आकर रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि नवंबर 2023 को वार्डन मूलाराम पुत्र तुलसाराम निवासी खारिया तला ने नाबालिग बच्चे को कमरे में ले जाकर कुकर्म करने का प्रयास किया। बच्चे के चिल्लाने पर दूसरे बच्चे आ गए और वार्डन ने बच्चे को छोड़ दिया। वहीं वार्डन ने किसी को न बताने की धमकी भी बच्चे को दी थी। धमकी के बाद बच्चा डर गया और अपने परिजनों को कुछ भी नहीं बता पा रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले परिजन जब बच्चे से मिलने के लिए हॉस्टल आए तो बच्चों ने परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी। रुको बाड़मेर में एक नाबालिग बच्चे के परिजनों द्वारा बच्चे के साथ कुकर्म के प्रयास का मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें हमने पॉक्सो एक्ट और अन्य विभिन्न धाराओं में दर्ज किया। इसमें मेरे द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है और अनुसंधान दौरान आरोपी को हमने दर्ज किया है, जिसे अनुसंधान कर आरोपी का नाम क्या है, क्या आरोपी का नाम मूलाराम है। रिको थाना अधिकारी देवाराम के मुताबिक नाबालिग के परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया है। बच्चे की उम्र 17 साल है और पीड़ित का मेडिकल करवाया गया है। घटनास्थल का मौका मुआयना भी किया गया है। वार्डन बुलाराम को गिरफ्तार कर लिया, फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है।